नमस्कार, न्यूज वन इलेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बीते दिनों पटना में हुए गैंगरेप को लेकर के लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपना आक्रोश दिखा रही हैं। इसी को लेकर के पटना में राष्ट्रीय लोक समता के पार्टी के प्रदेश महिला संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर दुष्कर्म मामले को लेकर वर्तमान सरकार के खिलाफ विरोध और आक्रोश मार्च निकाला है और सरकार विरोधी नारेबाजी किए है। क्या कुछ महिला प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, सुनिए। क्या पूरे बिहार के अंदर में बेटियां सुरक्षित नहीं है? पहले तो शिक्षित नहीं थे, दवाई का अभाव था और अब सुरक्षा पे भी खतरा है। हर रोज पूरे बिहार में कहीं ना कहीं बलात्कार किया जा रहा है, बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार जी जवाब दे, आप हमारे बिहार के मुखिया हैं और मुखिया का फर्ज आप कब निभाइएगा? अगर आप नहीं निभा सकते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप गद्दी पे विराजमान रहे। आप बहुत जल्द नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए और इसे बंद करा दीजिए। बोलिए, ऐसे बोलिए। आप लोग आज ये पूरा छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहते हैं जो महिलाओं के साथ लड़ी? पूरे बिहार में आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे तो मुजफ्फरपुर का कांड हो या तो हर रोज बिहार के अंदर बलात्कार हो रहा है, बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, मार के जला दिया। हर रोज का देखिएगा, कहीं सुपौल में, कहीं आज कल भी हुआ, यहाँ भी हुआ, समस्तीपुर में हुआ, हर जगह पूरे बिहार के अंदर में जो हो रहा है। और नीतीश कुमार जी पता नहीं किस सत्ते के नींद में सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अभी तक देखिएगा कि इन्होंने हाई लेवल का मीटिंग भी नहीं बैठाया है। IAS, IPS जो भी इनका DM हुआ है, इनका कोई मीटिंग नहीं है, इनके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है कि ये बिहार के लिए किस ओर ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को वोट को लेकर के आए थे और आज बिहार के अंदर में महिलाएँ ही सुरक्षित नहीं है, तो नीतीश कुमार जी को इनको जवाब देना चाहिए। और इनके पास जवाब नहीं है तो उनका कोई हक नहीं है कि वो अपने कुर्सी पर बैठे रहे, क्योंकि हम बेटियां, हम महिलाएं जब सुरक्षित नहीं है तो ऐसा गार्जियन हमें नहीं चाहिए। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं और बहुत जल्द अगर नहीं कुछ सुधरा तो पूरे बिहार के अंदर में पूरी महिलाएं जो है आंदोलन करेगी। अब महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और मैं कह रही हूँ कि आज तो ये सिर्फ एक झांकी है, बाकी आगे कुछ भी होना है। पूरे बिहार में जिस तरह से आग लगा हुआ है, ये आग को अगर नीतीश कुमार जी नहीं बुझाएं तो कान खड़ के सोने की इसी आग में वो जल जाएंगे। जिस तरह से बेटियां जल रही है, नीतीश कुमार जी को भी जलना होगा और नीतीश कुमार जी को ये समझना होगा कि हर बेटी का जो है आबरू को वो बचा नहीं सकते। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए किसी को? नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। तो इस्तीफे की मांग करेंगे क्या? तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।